गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल GLC IAS। टुडे आई विल टॉक अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन और वी से डेट हड़प्पन सिविलाइजेशन। लेट्स कम टू द क्लास। दोस्तों, ये हमारा GLC का प्लेटफॉर्म है जो आपको क्या नाम है GLC IAS के नाम से ऐप मिल जाएगा प्ले स्टोर पे, जिसमें आप इंग्लिश और हिंदी दोनों की PDF आपको मिल जाएगी इस क्लासेस की, और आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी और आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। चलो दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको पता ही है कि मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ तो कुछ मोटिवेशनल लाइन से। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है। अभी तो तौली है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो तौली है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो तौलना आसमान बाकी है। चलो दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। द हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड इन द ईयर, दोस्तों ऑप्शन ए 1901, ऑप्शन बी 1921, ऑप्शन सी 1935, ऑप्शन डी 1942। दोस्तों, इसका आंसर है 1921। हड़प्पन सिविलाइजेशन जो डिस्कवर हुई थी वो हुई थी 1921 में। ये कुछ हड़प्पन सिविलाइजेशन की इमेजेस है। दोस्तों देखो, हड़प्पन जो हमारा सिविलाइजेशन था वो हमारा वेल सेटल्ड सिविलाइजेशन था। क्या था दोस्तों? वेल सेटल्ड सिविलाइजेशन। आप देख सकते हो कि वहाँ के जो घर बने थे, घर में पूरा आप देख सकते हो एक जैसे घर बने थे। सब जगह जो वहाँ पर पैटर्न था एक ही जैसा था, बोलते वेल सेटल्ड। आज से भी अच्छा कह सकते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन में सेटल्ड थे लोग होम से लेके। आप ये देख सकते हैं कि वहाँ के जो घर थे, हर घर के बगल में क्या नाम है दोस्तों, लोगों ने ड्रेनेज सिस्टम बना रखा था, मतलब नाली वगैरह के लिए पानी निकालने के लिए। मतलब काफ़ी ज़्यादा दोस्तों वेल सेटल्ड सिविलाइजेशन था हड़प्पा सिविलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है दोस्तों, हड़प्पन सिविलाइजेशन इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, किस रिवर के ऊपर हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है लोकेटेड है? रावी के ऊपर, चेनब के ऊपर, इंदस के ऊपर या सतलज के ऊपर? दोस्तों इसका आंसर है हमारा इंदस, रावी के ऊपर। रावी जो हमारी रिवर है उसके ऊपर हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन लोकेटेड है। आप देख सकते हो जो रावी हमारी रिवर है वो देखिए, ये है हमारी रावी रिवर, आपको देख रही होगी, जो कि हमारी सतलज और झेलम के दोनों के बीच में से निकलती है। दोस्तों यहाँ पर हमारा दोस्तों हड़प्पन सिविलाइजेशन लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, द ग्रेट बाथ ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज फाउंड एट विच साइट, हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदारो या डी रोपर? तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा मोहनजोदारो। मोहनजोदारो दोस्तों मैं आपको बता ही चुका हूँ वेल सेटल्ड था दोस्तों, वेल सेटल्ड जिसे कहते हैं हमारा। फोर्थ क्वेश्चन हमारा आता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो रेफर्ड एज अर्बन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, ब्रॉन्जी एज या वैदिक सिविलाइजेशन? दोस्तों वैदिक सिविलाइजेशन तो कहाँ है, कहाँ की बात हो रही है, तो कोई मतलब ही नहीं है इस ऑप्शन का। दोस्तों इस ऑप्शन का, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा दोस्तों, मोहनजोदारो इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, दोस्तों गंगा, इंदस, रावी या सतलज? इसमें से हमको ये बताना है जो मोहनजोदारो है हमारा कौन सी रिवर के ऊपर लोकेटेड है। दोस्तों आप जो ये क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ इसको आप नोट डाउन भी करते जाइए, ताकि आपके रिवीजन में भी कहना काम आएंगे। तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा, इसका आंसर है हमारा इंदस। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है हमारा, द डोकयार्ड वॉज फाउंड एट मोहनजोदारो, कालीबंगन, रोपर, डी लोथल? दोस्तों इसका आंसर है हमारा लोथल। आप ये देख सकते हैं दोस्तों, लोथल का ये हड़प्पा मेहरगढ़, एक सेकंड फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं दोस्तों ये हड़प्पा है हमारा, ये मेहरगढ़ है, ये मोहनजोदारो, और दोस्तों ये रहा हमारा कोने में लोथल। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल वॉज अननोन टू द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इनमें से ऐसा कौन सा मेटल है जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो पीपल थे वो अननोन थे, पता ही नहीं था? दोस्तों कॉपर, आयरन, गोल्ड या सिल्वर? तो दोस्तों इसका आंसर है आयरन। दोस्तों ने लोहे के बारे में कुछ पता ही नहीं था, अननोन थे उसके बारे में। विच एनिमल वॉज अननोन इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, एलिफेंट, टाइगर, राइनासोरस, लायन? दोस्तों इनमें से ऐसा कौन सा जानवर है जो कि कहना अननोन था, कहाँ पर दोस्तों? इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोगों को पता ही नहीं था उसके बारे में। तो दोस्तों वो एलिफेंट था क्या? दोस्तों बिल्कुल नहीं, क्योंकि एलिफेंट तो जो था, वो एलिफेंट जो था दोस्तों वो वहाँ पर वॉर के लिए यूज़ करते थे, लड़ाई करने के लिए यूज़ करते थे। और जो दोस्तों टाइगर था उसको तो दोस्तों वो लोग किल करके ही खाते थे। और दोस्तों आपको पता है राइनासोर, जिसके हमको एविडेंस मिले कितने ईयर पहले हमको एविडेंस मिले राइनासोर के? दोस्तों जो अननोन जो एनिमल था जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो पीपल थे वो दोस्तों था हमारा डी ऑप्शन, लायन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है हमारा, द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन हैड ट्रेड लिंक्स विथ, दोस्तों जो हमारे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो पीपल थे उनका ट्रेड किससे चलता था?
चाइना से, इजिप्ट से, मेसोपोटामिया या म्यांमार। दोस्तों क्या नाम है, जो ट्रेड होता है वो दो तीन बेसिस पे होता है, या तो वो क्या नाम है जानवरों के थ्रू करवा सकते हैं ट्रेड, ठीक है, या फिर वो पानी के थ्रू ट्रेड करवा सकते हैं। लेकिन उस टाइम पे जो था उसमें ये पूछ रखा है किससे लिंक था हमारा, कौन सी ऐसी साइट थी जिससे हमारा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो ट्रेड सिस्टम था वो था। ट्रेड मतलब कहने का मतलब पोएट्री बनाई तो उसको यहाँ से लेकर एक जगह से लेकर दूसरी जगह भेजना, तो किससे था रिलेटेड। दोस्तों उसका आंसर है हमारा मेसोपोटामिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। इनमें से कौन सा जो है दोस्तों क्या नाम है वो यूज करा जाता था क्या नाम है ट्रांसपोर्ट के लिए। आप क्या नाम है आपको आजकल कहीं जाना पड़ता है, आपने बाइक उठाई ट्रांसपोर्ट के लिए, पहली बात तो आप जाते ही नहीं हो, आप क्या करते हो फ्लिपकार्ट यूज़ करा, ऑनलाइन मंगा लिया। बट उस टाइम पर ना फ्लिपकार्ट था, ना ही अमेजोन था और ना ही मिंत्रा था। तो अब दोस्तों वहाँ पर क्या करते थे जो लोग थे, वहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट के लिए जो वहाँ पर यूज़ करते थे व्हीकल, वो शिप था, बुलकार्ट्स था या बोट्स था या चारों ही थे, इन तीनों ही थे मतलब। तो दोस्तों इसका आंसर हमारा सारे ही थे। विच आर्कोलॉजिस्ट सरप्राइज द एक्सकवेशन एट हड़प्पा। दोस्तों एक्सकवेशन हड़प्पा में जो खुदाई करके जो हमको चीज़ें मिली थी वो किसने बताया था, दयाराम साहनी, आर डी बनर्जी, एन जी मजुमदार या एस आर राव। तो दोस्तों का इसका आंसर जहाँ तक कि सभी बच्चों को पता होगा, दयाराम साहनी। देख सकते हो आप एकदम लेजेंड बन के एकदम है, जिन्होंने हमें बताया कि हड़प्पा में ऐसे ऐसे क्या नाम हमको एविडेंसेज मिले, ये है हमारे साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, द साइट हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो आर फाउंड इन। ये जो हमारी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो साइट है वो कहाँ पर पाई गई। ये क्वेश्चन काफ़ी लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि भाई इंडिया में है कि भाई पाकिस्तान में, कोई बोला कि नहीं भाई हमारा मोहनजोदड़ो तो पाकिस्तान में, कोई बोला नहीं भाई हमारा तो इंडिया में, कोई बोला नहीं भाई हमारा तो अफगानिस्तान में है। दोस्तों इसका आंसर है कि पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली की सबसे बड़ी जो साइट थी वो क्या थी दोस्तों, ये तो मजाक वाला क्वेश्चन हो गया दोस्तों। पहला ऑप्शन है हड़प्पा, दूसरा है रोप्पा, तीसरा राखीगिरी या छानूदारो। सबसे बड़ी साइट बतानी दोस्तों, कन्फ्यूज मत हो ना दोस्तों। इसका आंसर है अपना राखीगिरी। राखीगिरी आप बोलोगे, आपको बहुत से लोग बोलोगे हड़प्पा है हड़प्पा, नहीं नहीं दोस्तों, राखीगिरी जो हमारी लार्जेस्ट साइज है आप देख सकते हैं ये है वो। राखीगिरी कहाँ पर है दोस्तों, नियर हिसार हरियाणा में, आप देख सकते हैं ये मैंने मैप बना रहा, इसका आप स्क्रीनशॉट लिख ले लीजिए, लेना हो तो आपको, मैं साइड हट जाता हूँ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मोहनजोदड़ो वो डिस्कवर्ड बाय। इनमें से कौन से वो हैं जिन्होंने आर्कोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने मोहनजोदड़ो को डिस्कवर करा था, आर डी बनर्जी, एन जी मजुमदार, दयाराम साहनी या जे पी जोशी। तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा आर डी बनर्जी। देख सकते हैं आप बढ़िया बैठे हैं, बढ़िया लोटा लेकर आराम से लिया, बढ़िया चखनखना और लिया करना आराम से, बढ़िया चलेगी बढ़िया इस टाइप से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, द फिगर ऑफ अ डांसिंग गर्ल वॉज फाउंड इन लोथल, छानूदारो, मोहनजोदड़ो या हड़प्पा। दोस्तों इसका आंसर है हमारा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में हमको कुछ इस टाइप के एविडेंस मिले डांसिंग गर्ल के। ये क्वेश्चन मोस्टली क्या नाम है, मोस्टली कह सकते हैं जो हमारे कॉम्पिटेटिव जो एग्जाम आ चुके हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछा ही गया है कि डांसिंग गर्ल का। दोस्तों ये हमारा GLC IAS का व्हाट्सअप नंबर है, और GLC IAS के नाम से आपको क्या नाम है प्ले स्टोर पर ऐप मिल जाएगा, आप उसमें कोई भी क्वेरी हो या फिर क्या नाम है अभी जो न्यू बैचेज आ रहे हैं पटवारी के, MBPSC के, प्री के, मेंस के, आप भी क्या नाम है इंस्टॉल करके उसको आप ले सकते हैं क्या नाम है सब्सक्रिप्शन उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है हमारा दोस्तों, इन इंडस वैली सिविलाइजेशन द पशुपति सील वॉज सराउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल। दोस्तों ये बताना है इनमें से कौन सा एनिमल है जो सराउंडेड बाय, तो दोस्तों एलिफेंट था, टाइगर था, राइनोसोर, बफेलो या डियर, इनमें से बताना है कि कौन सा नहीं था। तो दोस्तों ऐसा है कि इनमें से एलिफेंट भी था जो कि वो लोग वॉर के लिए यूज़ करते थे, टाइगर को वो किल करके खाते थे, राइनोसोर के हमको एविडेंस मिले, बफेलो हमको एविडेंस मिले, डियर उसके भी हमको एविडेंस मिले। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, इसका ऑप्शन दोस्तों है ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों ये हमारा क्या नाम है GLC IAS का क्या नाम है प्लेटफॉर्म है, इसमें आपको प्ले स्टोर पर GLC IAS के नाम से प्ले स्टोर पर ऐप मिल जाएगा, जिसमें आपको इंग्लिश और हिंदी प्लस क्या नाम है टेस्ट सीरीज प्लस आपको नोट्स प्रोवाइड करे जाएंगे जो कि आप प्ले स्टोर से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों जल्द से जल्द GLC IAS ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि उसमें जो अभी बैच है वो काफ़ी क्या नाम है डिस्काउंट में चल रहा है, बट वो कुछ दिनों के लिए ही है जो कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन अ स्टैचू ऑफ अ बियर्डेड मैन वॉज फाउंड। दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन है रोपर,
कालीबंगन, सी ऑप्शन हमारा मोहनजोदारो और डी ऑप्शन हमारा कोट डीजी। तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा मोहनजोदारो। मोहनजोदारो दोस्तों ये ग्रेट बात की कह सकते हैं पिक है, आपको बता सकते हैं। ग्रेट बात दोस्तों काफ़ी जो है ना क्वेश्चन वो पूछा गया है। ग्रेट बात दोस्तों इसलिए यूज़ करा जाता है, रिचुअल्स के लिए यूज़ करा जाता है। रिचुअल्स चीज़ें मतलब रिलीजियस, जैसे कि वहाँ पर जो लोग होते थे, जैसे कि कोई भी फंक्शन हुआ, फैमिली से रिलेटेड हुआ या कुछ पूजा हुई, तो लोग वहाँ पर जाके नहाते थे। वहाँ पर कुछ इस टाइप का वहाँ का जो आर्किट मतलब जो बना रखा था स्ट्रक्चर, वहाँ पर दोस्तों नॉर्थ और साउथ साइड में स्टेयर्स थी। स्टेयर्स दोस्तों मतलब सीढ़ियाँ। नॉर्थ और साउथ साइड में दोस्तों ग्रेट बात में सीढ़ियाँ बना रखी थी, ताकि लोगों को क्या नाम है ये ना रहे कि एक साइड से चढ़ना है। नहीं नहीं, उन्होंने नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ से क्या नाम है सीढ़ियाँ बना रखी थी। और दोस्तों इसका हमें पता कैसे चलता है कि वहाँ पर लोग आके नहाते थे या पूजा करते थे ये सब, तो दोस्तों हमें वहाँ पर एक ड्रेनेज सिस्टम मिला। और हमें ये भी पता चला कि जो वहाँ के साउथ साइड के जितने भी रूम्स थे ग्रेट बाथ के नियर में, तो वहाँ पर दोस्तों एज अ वॉशरूम उसको यूज़ करा गया। उसमें से क्या नाम है दोस्तों एक रूम के बगल में ड्रेनेज सिस्टम बना रखा है, तो हमें पता चलता है कि वहाँ पर लोग जो है यहाँ पर रिचुअल्स मतलब कोई भी पूजा पाठ हो तो लोग यहाँ पर नहाते थे, धोते थे और यहाँ पर इस चीज़ को यूज़ करते थे एज अ ग्रेट बाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दोस्तों हमारा आता है, व्हाट वाज द मेन फूड क्रॉप ऑफ पीपल इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इनमें से ऐसा कौन सी जो खेतीबाड़ी है जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में मेन क्रॉप थी, तो वो दोस्तों वीट, गेहूं, बार्ली या फिर दोनों ही या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है दोनों, वीट एंड बार्ली बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है, विच इंडस सिविलाइजेशन साइट इज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स। दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, तो इंपॉर्टेंट ही समझ लीजिए। ए ऑप्शन है हमारा हड़प्पा, बी ऑप्शन है हमारा ढोलावीरा, सी ऑप्शन है हमारा मोहनजोदड़ो और डी ऑप्शन है हमारा कालीबंगन। तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा ढोलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये हमारा, पशुपति सील वॉज फाउंड फ्रॉम विच हड़प्पन साइट। दोस्तों ढोलावीरा, हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो। तो दोस्तों इसका आंसर आ जाता है हमारा मोहनजोदड़ो। आप देख सकते हैं पशुपति की मैंने आपको इमेज लगा दी थी, ताकि आप बोल दे, बहुत से स्टूडेंट्स बोलते हैं पशुपति क्या पशुपति। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये इमेज है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस हड़प्पन सिविलाइजेशन का, वो ये रहा हमारा, अकोपा चैरियट ऑफ हड़प्पन टाइम्स वॉज डिस्कवर्ड एट कुंटल, राखीगिरी, दायमाबाद या बनावली। दोस्तों इसका ऑप्शन आप ईजिली कहने में बता सकते हैं कि राखीगिरी तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, रही बात बनावली उसको तो सोच ही नहीं सकते। दोस्तों इसका ऑप्शन है हमारा दायमाबाद। दायमाबाद जो है हमारा दोस्तों ये हमारा ऑप्शन है। थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास यहीं ओवर होती है। ये हमारा GLC का प्लेटफॉर्म है और GLC IAS आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आप इसकी और जो इसकी क्लास की PDF है वो भी आपको वहीं पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। और दोस्तों ये हमारी सीरीज़ कंटिन्यू चलती जाएगी, चैप्टर वाइज चैप्टर, टॉपिक वाइज टॉपिक। जैसे ही हमारा एंशिएंट खत्म होगा, हमारा मिडिवल और मॉडल स्टार्ट हो जाएगा, उसका दोस्तों हम लोग न्यू टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू दोस्तों, वेलकम।